क्या ले बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों ने लेक्चर 1 देख लिया होगा और काफी आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ ताकि वो चीज आपकी स्किप ना हो। जिन बच्चों को लेक्चर 1 नहीं मिला है तो लेफ्ट कॉर्नर में मैं आपको एक आई बटन दूंगा, आप वहां पे जाके लेक्चर 1 देख सकते हैं, वहां पर मैं उसको अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2 इलेक्ट्रिसिटी का और कोशिश करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करने के लिए 10 बोर्ड्स के लिए। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपसे बात करी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, कल के लेक्चर में इन जनरल चार्ज वगैरह की बात करी, थोड़ा सा आपका मैंने बेस बनाया था सो देट आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, इनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं क्योंकि एटम के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे। ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये तीनों ही हैं या इसके अलावा भी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके अलावा भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, बट बेसिकली ये तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स उन तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के कंपेरेटिवली हमेशा एग्जिस्ट करते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट एग्जिस्टेंस हम लोग ये तीन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें बहुत सी बातें की जा सकती थी जैसे कि इसकी डिस्कवरी किसने करी वगैरह वगैरह, बट इसमें हम सिर्फ वही बात करेंगे जो कि हमारे काम आएगी अपने सिलेबस में। तो मैंने यहाँ पे 2 चीजें आपको बतानी है हर इन 3 पार्टिकल्स के बारे में, एक तो बेटा मास और एक चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, ये चीज आपको याद करनी है बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻³¹ कूलम। और बेटा ये हम और आप मिलके पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा, 1.6 × 10⁻³¹ कूलम। एंड यस, इलेक्ट्रॉन की अगर नेचर की बात करें तो ये नेगेटिव नेचर का होता है चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रोटॉन की बात पे। तो अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करते हैं बेटा, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻²¹ kg, जो कि यहां पर मैंने मेंशन किया है आपके लिए। क्या होता है प्रोटॉन का मास, 1.67 × 10⁻²¹ kg। और वहीं इसके चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻²¹ कूलम। और प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव होता है वेयर एज इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है। अब चलते हैं न्यूट्रॉन के पास। तो न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास है बट चार्ज नहीं है। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास है बेटा बट चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसका मास अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है प्रोटॉन के मास के। मैंने क्या बोला फिर सुनिए, न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है प्रोटॉन के मास के। अभी हमने बताया कि प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻²¹ kg होता है, तो न्यूट्रॉन का मास भी हमें इतना ही लेना है। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास हमें क्या लेना है बेटा, 1.67 × 10⁻²¹ kg, सेम एज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये मैंने आपको चार्जेस, ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बता दिया। तो ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के, चाहे मैं मास की बात करता हूँ बेटा, चाहे मैं चार्ज की बात करता हूँ, ये हम लोग अपने सिलेबस में यूज करते रहेंगे, तो बेहतर यही है आप इसको याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। अगर मैं चार्जेस के टाइप्स की बात करूं तो 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, द वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्जेस की अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बड़ी जनरल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ चार्ज की, हालांकि जो चार्ज की प्रॉपर्टीज मैं कवर करूंगा वहां पर मैं कोशिश करूंगा आपको बताता रहूं कि ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, ताकि आपका बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो वो आप लोग लिख पाओ। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई चार्ज की, वो क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, रिपल्जन मतलब एक दूसरे से दूर जाना, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के करीब आना। ठीक है, तो अगर चार्जेस बेटा हमारे लाइक है, अगर चार्जेस हमारे लाइक हैं तो उनके बीच में रिपल्जन होगा। ठीक है, और अगर चार्जेस हमारे अनलाइक हैं तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे हमने 3 केसेस आपके लिए बनाए। सपोज करिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो दे बोथ आर लाइक चार्जेस, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्जन हो रहा है। ये वाला चार्ज उस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में आ रहा है,
डेफिनेटली ये जो रिपल्जन हो रहा है ये फोर्स से हो रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स क्या है, कैसे है, क्यों है, कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आपको आगे मिलेगी, ठीक है। तो बस याद रखना है, अगर दो एक जैसे चार्जेस हैं तो इनके बीच में रिपल्जन होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर सेकंड। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक मेरे पास निगेटिव चार्ज हो तो बेटा क्या ये अनलाइक चार्जेस की कंडीशन है? यस, ये अनलाइक चार्जेस की कंडीशन है। और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप लोग यहां पे देखो, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। केस थ्री देखते हैं, यहां पर एक निगेटिव चार्ज है और दूसरा भी निगेटिव चार्ज है, तो यानी कि ये फिर से वही कंडीशन आ गई लाइक चार्जेस वाली। यहां पर फिर से वही कंडीशन आ गई लाइक चार्जेस वाली, और लाइक चार्जेस की कंडीशन जैसे ही आती है तो वैसे ही आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए रिपल्जन का। तो बेटा इन दोनों के बीच में भी रिपल्जन हो रहा है। मतलब मैंने थ्री केसेस आपको बताया, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। केस फर्स्ट लाइक चार्जेस का है, आप लोग देख रहे हो रिपल्जन हो रहा है। केस सेकंड आपका अनलाइक चार्जेस का है, आप देख रहे हो अट्रैक्शन हो रहा है। केस थर्ड अगेन लाइक चार्जेस का है, तो आप लोग देख रहे हो रिपल्जन हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर नेगेटिव तो लाइक कैसे, ऐसा कुछ मत सोचना। अगर एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव लाइक चार्जेस है, रिपल्जन होगा। एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव लाइक चार्जेस है, रिपल्जन होगा। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जब आप क्लास 9th में थे तो आपको एक चैप्टर आया होगा ग्रेविटेशन, ठीक है। क्या आया था? ग्रेविटेशन। और वहां पर आपने एक न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने जाना होगा। अगर मेरे पास दो पार्टिकल हैं और उन दो पार्टिकल्स का मास जो है m1 और m2 है, फिर से सुनिए, अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, और m1 और m2 जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है। समझ में आ रहा है बेटा? एक पार्टिकल m1 मास का है, दूसरा पार्टिकल m2 मास का है, और उन पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन है वो r है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है बेटा? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पर जी स्टैंड करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, ठीक है। यहां पर जी क्या, जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें एक स्मॉल जी होता है, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर अपन लोग बात कर रहे हैं कैपिटल जी की, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ये बोला जा बोलते हैं क्योंकि यूनिवर्सली ये बात मानी जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इन दोनों मासेस के बीच में मीडियम कुछ भी हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, जी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट का मतलब ये हो गया, मीडियम इंडिपेंडेंट मतलब दो बॉडीज के बीच का जो मीडियम है वो कुछ भी रख दो, कैपिटल जी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक बात समझ में आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे का रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों आया? तो अवेलेबिलिटी ऑफ मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आया बेटा। मास आएगा, मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, याद रखेगा, अगर मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने कहा, यहां पर मेरे पास एक चार्ज है Q1 और यहां पर मेरे पास एक चार्ज है Q2, और Q1 और Q2 चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है कूलम्स लॉ की हेल्प से, आप लोग चाहे तो इसको लिख लीजिएगा कि ये हमें कूलम्स लॉ से पता चला था ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास चार्ज है Q1 और यहां पे मेरे पास चार्ज है Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है। अब कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलर है, यहां पर मासेस है, यहां पे चार्जेस है, यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। और ये वाला फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये वाला फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर हाल में अट्रैक्टिव था, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। वेयर एज ये वाला फोर्स जो है अपना इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो कि चार्ज की वजह से आया हुआ है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। आई थिंक बच्चे जान चुके हैं कि ये फोर्स अट्रैक्टिव किस केस में होगा, रिपल्सिव किस केस में होगा। यहां पर हम लोग ने उसी चीज के ऊपर डिस्कशन किया था, ये जो तीन केसेस बनाए उसी के बेसिस पे बात की थी। यहां पर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं ताकि आपको चीजें दिमाग में रहे, अगर Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों ही पॉजिटिव है तो ये फोर्स रिपल्सिव होगा, अगर Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों ही निगेटिव है
तो भी ये फोर्स रिपल्सिव होगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज निगेटिव है बेटा, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे का कारण मास है, तो आप कहोगे जी सर। क्या मैं अगर आपसे पूछता हूं कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो आप बोलोगे यस सर। क्या मैं आपसे कहूं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे यस सर। क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है, यस सर। फिर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर। अब इसका अट्रैक्टिव होना या इसका रिपल्सिव होना डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पे। आ रही बात समझ बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स का अट्रैक्टिव होना या इलेक्ट्रिक फोर्स का रिपल्सिव होना डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पे। अगर दो सेम नेचर के चार्जेस हैं, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपल्सिव होगा, और अगर दो चार्जेस मेरे पास अनलाइक नेचर के हैं तो ये जो फोर्स है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो बेटा अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मीडियम डिपेंडेंट है। ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये मीडियम इंडिपेंडेंट था, मीडियम पे उस जी की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो ये के की वैल्यू है, यहाँ पे जो आपने कांस्टेंट यूज करा है के, इसकी वैल्यू को फर्क पड़ता है मीडियम टू मीडियम। बट हमें कौन से मीडियम से डील करना है, हमको डील करना है वैक्यूम, आप या एयर कह दो या फ्री स्पेस कह दो। आपके सिलेबस में इन तीनों ही मीडियम की वैल्यू सेम होती है, इन तीनों ही मीडियम में के की वैल्यू सेम होती है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इन केस ऑफ वैक्यूम, तो आप फॉरन आंसर करेंगे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन एयर, तो आप फॉरन से कहोगे सर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों ही मीडियम में के की वैल्यू अपनी सेम आती है, बट हालांकि थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट अपने सिलेबस के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और के की वैल्यू ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मैक्सिमम होती है, ध्यान रखिएगा ये के की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यानी कि बेटा मैं आपसे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, कूलम्बियन कांस्टेंट कुछ भी कह सकते हो, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं इस के की, ये जो के है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कौन से मीडियम में, यानी कि दो चार्जेस के बीच में वो कौन सा मीडियम हो कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो वो है वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस। ठीक है, अब सवाल सवाल सोचने वाला आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है। अगर सर हम दो इलेक्ट्रॉन्स ले लें और उन दो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ दूरी पे रख दे, तो सर डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन के पास मास है, उस इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, और इनके बीच में कुछ दूरी भी है, तो सर मास होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और सर इसका चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है, अभी आपने पढ़ाया इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है, तो सर इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। फिर सर हम इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करें या ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें, सर क्या करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एक, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, तो सर क्या करें। तो बेटा सुनो, इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स काफी छोटा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की तुलना में इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स काफी छोटा होता है, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को डील करने की जरूरत नहीं होती, हम इलेक्ट्रिक फोर्स डील करते हैं, यानी कि हम डील करते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आई थिंक आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई। अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपका डाउट रिजोल्व किया जाएगा, अपना डाउट कमेंट करके बता सकते हैं या जो मैं नंबर देता हूँ उस पर आप मैसेज कर सकते हैं अपना डाउट, हम आपके डाउट को डेफिनेटली रिजोल्व करेंगे। ठीक है, बट पहले कोशिश करिए कि आपको हर चीज सिस्टमैटिक वे में क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
सो स्टूडेंट देयर इज वन मोर टॉपिक दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और मैंने जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी मैं चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा मैं वहां पर आपको बता दूंगा दैट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ताकि आप वो वाला क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओ जो आपके बोर्ड्स में भी आ जाए कि राइट डाउन एनी थ्री प्रॉपर्टीज, राइट डाउन एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी है। ठीक है पहले लिख देते हैं, ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का क्या है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और एन क्या है हमारा, एक इंटीजर। आप सबको मेरे ख्याल से पता होगा कि इंटीजर क्या होता है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ये बेसिक सी डेफिनेशन होती है जो हम बचपन में रखते हैं। सपोज करिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक बॉडी ए है और मेरे पास एक बॉडी बी है। एक मेथड होता है आपके सिलेबस में, रबिंग या फ्रिक्शन। उसको उस मेथड को आप रबिंग भी कह सकते हो, उस मेथड को आप फ्रिक्शन भी कह सकते हो। जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो चार्जेस निकल के जाते हैं एक बॉडी से, और दूसरी बॉडी उन चार्जेस को, उन इलेक्ट्रॉन्स को लेती है। तो मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से रब कराई जाएगी तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो दूसरी बॉडी गेन करेगी। तो मतलब क्या हुआ बेटा, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को तो लूज करेगी और दूसरी बॉडी उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। समझ में आ गया। तो इन दोनों बॉडीज को जब मैंने रब कराया आपस में तो देखते हैं क्या होता है। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। तो डेफिनेटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। जब मैंने रबिंग प्रोसेस कराया तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो आप जानते हो, आप सब जानते हो, अब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है कि नहीं होता है। मास होता है, और कितना मास होता है, 9.1 × 10⁻³। अब सोचो यार, एक बॉडी जिससे इलेक्ट्रॉन निकला या उस बॉडी में से मास भी गया ना, जब वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसका, इस इलेक्ट्रॉन का मास भी तो इसी के साथ जा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो इसी के साथ जा रहा है। तो सपोज करो कि अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसमें मास का भी ट्रांसफर हुआ, चार्ज का भी ट्रांसफर हुआ। ध्यान रखना है, whenever there is a transfer of electron, मास भी ट्रांसफर होगा और चार्ज भी ट्रांसफर होगा। और मैंने यहां पर वैल्यू के साथ आपको दिखा दिया ताकि आपको वैल्यूज याद हो जाए, क्योंकि द बेस्ट मेथड टू लर्न समथिंग इज उसको दोबारा दोबारा बार बार लिखो, ताकि वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाए। तो ट्रांसफर ऑफ मास होगा, होगा। ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, होगा। तो याद रखिए बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलरली अबाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो एक मेथड है, और भी मेथड्स आने वाले हैं या और भी कंडीशंस आने वाली है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी जा रहा है और उस इलेक्ट्रॉन का मास भी जा रहा है। ठीक है। अब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है उस बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अभी थोड़े से टाइम के लिए, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के लिए आपको ध्यान रखना है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली फील करा के दिखाऊंगा कैसे पॉजिटिव आएगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और उस बॉडी को मास जो है वो क्या होता है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गया, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन गया तो मास गया, मास गया मतलब मास जो पहले था वो अब नहीं है। क्या मास ज्यादा है? नहीं, अब मास कम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गए तो मास गया, यानी कि बॉडी पे अब मास कम है। ठीक है। तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब बॉडी से बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उस बॉडी का चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी बॉडी का चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, और बॉडी का मास क्या करेगा, डिक्रीज। सिमिलरली जब एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वही दूसरी साइड बॉडी, दूसरी बॉडी गेन करेगी, तो बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसका चार्ज क्या आएगा, निगेटिव, उसका चार्ज क्या आएगा, निगेटिव।
और मास क्या होगा? इंक्रीज। मास क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट कराता हूं। देखो, सपोज करो एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, ये मैंने बना लिया प्यारा सा इंसान। तो इस ह्यूमन बीइंग के अंदर 100 अच्छाई है और इस ह्यूमन बीइंग के अंदर 100 बुराई है। अच्छाई कैसे लिखेंगे? चलो ऐसे लिख देता है, अच्छाई और ये बुराई। तो अभी ये इंसान कैसा है? यार देखो, ऐसे तो हमारी सोच बहुत खराब होती है कि हर अगला बंदा बुराई होता है हमारे लिए, ठीक है, इन जनरल। बट यहाँ पे हमें थोड़ा नॉर्मल होकर सोचना है। अगर इस इंसान के पास भाई के बटन भी लगा देते ना, कपड़े पहना देते इनको ऐसे, अब लग रहे हैं स्मार्ट, ठीक है। इस इंसान के अंदर अगर 100 अच्छाई है और 100 बुराई है, तो ये इंसान कैसा है? आई थिंक आप लोग जवाब दे पा रहे होंगे, न्यूट्रल है, ठीक है। अगर मैं इनकी 2 बुराई माइनस कर दूं, मतलब इनके अंदर से 2 बुराई खत्म कर दूं, तो अब बुराई कितनी बची? 98 बुराई, 98 बुराई। अब मेरे को आप लोग बताओ कि ये इंसान अब अच्छा है या बुरा है? तो आप लोग सब सही सोच रहे होंगे कि अब ये इंसान अच्छा है। क्यों? 98 अच्छाई, 98 बुराई, खत्म। अब 2 अच्छाई एक्स्ट्रा है, तो बेसिकली ये इंसान अच्छा है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इज बुराई, नेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी के पास, बॉडी स्टार्टिंग में क्या होती है? बॉडी, इनिशियल कंडीशन बॉडी की क्या होती है? मैं देखो लिख रहा हूं, इनिशियल कंडीशन फॉर अ बॉडी, तो इनिशियल कंडीशन होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब यह है कि उस बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्रोटॉन्स की बराबर होंगे। समझ पा रहे हो? कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जितना भी निगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज की बराबर होता है, ठीक है। अब सोचो, अगर बॉडी ने, बॉडी का स्टार्टिंग कंडीशन कैसी है? जो जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव। अब निगेटिव चार्ज निकल के चले जाए, निगेटिव चार्ज निकल के चले जाए, तो अब इस पे पॉजिटिव ज्यादा हुआ, तो देखो द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और द बॉडी विच गेन, अब भाई के अंदर वही उल्टा सोचो, अगर मैं इसमें 2 बुराई और ऐड कर दूं, तो 102 बुराई हो जाएंगी और 100 अच्छाई हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली वो इंसान बुरा हो जाएगा। तो ऐसी कुछ कंडीशन इसमें है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज के कंपेरेटिवली नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका चार्ज नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां से इस डिस्कशन के कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाने के लिए या नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाने के लिए। चाहे तो इसको लिख लें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ बॉडी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इफ अ बॉडी हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, द बॉडी बिहेव्स एज अ निगेटिव बॉडी। एंड इफ अ बॉडी हैव एक्सेस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके लिख लो, इफ अ बॉडी हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। कहने का मतलब यह है, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन्स की संख्या से, तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है प्रोटॉन से, तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा बेटा कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगी। आपके लिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं छोटे छोटे पॉइंट्स, बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिव चार्ज बॉडी, जैसे यहां पर मैंने दिखाया। और दूसरी चीज, बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स निगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ध्यान रखना है कि जो बॉडी बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो बॉडी क्या बन रही है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है वो बॉडी क्या बन रही है? निगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। आई होप ये यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बेटा ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 200 पे, क्वेश्चन नंबर 3 इन अ ब्लॉक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन पेज नंबर 200 पे आपको एज अ होमवर्क करना है।
ब्लॉक जो है होमवर्क में आपको दे दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा सब लोग आपसे हो पाया कि नहीं हो पाया। ऐसा ब्लॉक है यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस, पेज नंबर 200, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है होमवर्क, जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर के बेसिस पे जो जो चीजें मैंने समझाने की कोशिश करी वो आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। अगर डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दे रखा है। बट एक बात की कोशिश ऐसी करिएगा कि डाउट्स आप वीडियोस को देखिए, इतना सिस्टमेटिकली आपको कोशिश करी गई समझाने की, तो वो डाउट खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाए। अगर रिजॉल्व नहीं होता है, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ, आप डाउट्स ले सकते हैं। और बेटा प्लीज, इट्स अनदर रिक्वेस्ट कि अगर लेक्चर 1 आपने नहीं देखा है तो लेक्चर 1 को देख लीजिए, और बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम दी बेस्ट करेंगे आपका सिलेबस को कंप्लीट करने में। अभी थोड़े छोटे छोटे लेक्चर्स आ रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करा पाए। ठीक है, जैसी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस वाले टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो उसमें न्यूमेरिकल्स को इन्वॉल्व करेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने की जो पोटेंशियल है वो आपकी एनहांस हो जाए, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम ढूंढेंगे इस सीरीज के थ्रू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, और पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज।